अभी भी हम रोड पे साइकिलिंग करते हैं तो अगर हमारा रोड स्मूथ हो तो हमारी साइकिलिंग भी एफिशिएंट हो जाती है, पर अगर हमारे रोड में एक अनइवननेस वाला टाइप आ जाए, दैट इज लेट्स से द रोड इज नॉट डेवलप्ड और लेट्स से उस रोड पे बहुत सारे कंकर है, पत्थर है, स्टोन्स है, जिसके वजह से जर्नी उबड़ खाबड़ हो रही है, तो ये इनएफिशिएंसी पैदा करती है, राइट? और क्योंकि रोड स्मूथ नहीं है, टायर के और रोड के बीच में भी बहुत फ्रिक्शन पैदा होता है, तो बेसिकली होता क्या है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा एम है अपनी जर्नी स्मूथ करना, ठीक है? तो हमारी साइकिलिंग की जर्नी को स्मूथ करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, तो जो रोड है उसे रीडेवलप कर लो, रोड पे जो स्टोन्स, कंकर और बाकी के ऑब्स्टिकल्स पड़े हैं उन्हें क्लीन कर दो। बट दिस इज़ अ फुलिश आइडिया एंड नॉट अ वेरी लॉजिकल एंड सेन वन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू अ प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक है? एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हम अनइवन रोड पे जनरली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग दैट रोड, क्या है? जस्ट पुश थ्रू इट, मैनेज करो, गो अहेड, चलते जाओ, राइट? जर्नी कंटिन्यू रखनी है। देयर इज अ चांस बिकॉज ऑफ अनइवननेस ऑफ द रोड हमारा बैलेंस भी यहाँ वहाँ हो, बट फिर भी कंटिन्यू करना ही है, राइट? सिमिलरली इन अ सिमिलर फैशन इवन इन लाइफ, जो रेगुलर रोड पे ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ठीक है, मतलब पेटी थिंग्स लाइक दी स्टोन्स और अनइवन सरफेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द रोड। एक सोल्यूशन रहता है कि उन्हें हम रीबिल्ड कर दें, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा सोल्यूशन है जस्ट मैनेज टू बी टॉलरेंट, बी टफ एंड पुश थ्रू इट। दीज स्टोन्स, दी स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, दी स्मॉल बैरियर्स जो ज़्यादा हेल्प नहीं करते, दीज आर लाइक स्मॉल माइंड्स ऑफ पीपल। तो शुड वी गिव अ डैम एवरी टाइम वी एनकाउंटर देम वाइल साइकिलिंग? नहीं, दिस विल मेक आर जर्नी इनएफिशिएंट, हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, राइट? सो बेसिकली हमने इन छोटे मोटे चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, इशूज के कारण अपनी जर्नी स्टॉप नहीं करनी है, राइट? इवन इन लाइफ इफ वी नीड टू गेट अहेड, वी नीड टू मेक श्योर कि वी मेंटेन आवर बैलेंस ऑन आवर साइकिल, ठीक है? वी कीप मूविंग एवरी टाइम, क्योंकि इफ वी स्टॉप साइकिलिंग देन नो वन इज गोइंग टू पुश ourselves to cycle ahead. We need to cycle all by ourselves. We need to keep moving if we want to move. No one can push us except ourselves. So it's important to keep cycling. Take breaks when necessary. Take rest when necessary. But keep moving. Never quit. If you quit, you lose your balance on cycle. And that doesn't make any journey successful. तो जब साइकिलिंग करते समय, लाइफ की साइकिलिंग करते समय हमें ये छोटे मोटे डिफिकल्टीज आए, तो वाई डू वी कंप्लेन? हमने कोई कंप्लेन नहीं करनी है। अगर जब हम कंप्लेन करते हैं एक्सेसिवली, ठीक है, इसका एक ही इंटरप्रिटेशन है, हमारा फोकस प्रॉब्लम्स पे है, मतलब अरे ये रोड अनइवन क्यों है, ये पत्थर क्यों है, ठीक है, किसी ने अभी तक मेजर क्यों नहीं लिया? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो अनकंट्रोलेबल है, राइट? हमने क्या करना है, जो अपने तरफ से, हमारे साइड से जो भी पॉसिबल एफर्ट्स है वो सारे लेने हैं, सच दैट वी कैन मेक आवर जर्नी स्मूथ। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग की एनालॉजी से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, अगेन गियर वाली साइकिल है तो अपना गियर एडजस्ट कर लो, स्पीड को मैनेज कर लो, राइट? अगर आपका टायर पंक्चर है तो टायर को मैनेज कर लो, चेन में फ्रिक्शन कम है तो ऑयलिंग करो, बट मेक आउट पॉसिबिलिटीज टू ईज योर जर्नी। अब
अपना फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं पॉसिबिलिटीज पे रखना है। दैट्स इट। हे गाइस, दिस इज प्रांजल व्यास एंड आई मेक वीडियोस ऑन सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है देन कम जॉइन माय यूट्यूब टीम। करना क्या है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और बाजू में जो बेल आइकन है आपको उसे भी क्लिक करना है, सच दैट एवरी सैटरडे व्हेनेवर आई पोस्ट माय वीडियो आपको अपडेट्स मिलते रहे। ऑल्सो स्मैश दैट लाइक आइकन सच दैट मेरा भी मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहे एंड आई कीप गोइंग। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विन एंड कम।